अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा और सपा नेता आजम खान के बीच खींचतान किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इस बार आजम खान को लेकर जया प्रदा का एक बयान राजनीतिक गलियारों में छाया हुआ है। जया प्रदा ने एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तुलना पद्मावत के किरदार अलाउद्दीन खिलजी से कर दी है। पूर्व सांसद जया प्रदा का कहना है कि जब वह विवादों में रही फिल्म पद्मावत देख रही थी तो खिलजी को देखकर उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याद आ गई। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे खिलजी को देखकर याद आ गया कि कैसे आजम खान चुनाव के दौरान मुझे परेशान किया करते थे। वैसे जया प्रदा से पहले अमर सिंह भी आजम खान को खिलजी बता चुके हैं, तब उन्होंने जया प्रदा को पद्मावती कहा था और इस बार जया ने भी खुद आजम खान को खिलजी बता डाला। दरअसल जया प्रदा अमर सिंह की करीबी मानी जाती हैं। साल 2010 में दोनों को सपा से निष्कासित कर दिया गया था। जया प्रदा अमर सिंह के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गई थी। रालोद के टिकट पर उन्होंने 2014 के आम चुनाव में बिजनौर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। इसके साथ ही उन दिनों जया ने आजम खान पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जबकि आजम खान भी सार्वजनिक मंचों से जया प्रदा को लेकर विवादित टिप्पणी करते रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।